दोस्तों, आप में से कई लोगों ने कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 मूवी तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है आखिर इस मूवी की शूटिंग कैसे हुई थी? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए इस मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन को लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिरकार हॉरर मूवी को किस प्रकार से शूट किया जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी है जिसमें ग्रीन बैकग्राउंड और VFX जैसी टेक्नोलॉजी का बहुत ही कम यूज किया गया है, क्योंकि इसके अधिकांश सीन को रियल लोकेशन पर शूट किया गया है। जैसा कि आप यहाँ इस मूवी के शूटिंग के समय देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिल्म मेकर एक हॉन्टेड हाउस के आगे इसकी शूटिंग कर रहे हैं। इस मूवी को देखने के बाद आपको भी डर लग सकता है, क्योंकि इसके अंदर को भूत को ज्यादा डरावना और भड़कीला दिखाने के लिए इसके कई जगह पर थोड़ा बहुत VFX का भी यूज किया गया है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक हॉरर सीन देखने को मिलती है, जहां पर मंजुलिका तब्बू जी पर हमला करती है, और आप यहां देख सकते हैं कि सीन को बनाते समय तब्बू जी को केबल के सहारे हवा में लटकाया गया था। और फिर इसके आगे जब भूतनी उन्हें फर्श पर आगे खींचते हुए ले जाती है, तो सीन को भी बनाते समय रस्सी के सहारे उन्हें खींचा गया था। अब इस जगह पर मंजुलिका के सीक्वेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें इसके बैकग्राउंड में लाइटनिंग को दिखाने के लिए बड़े बड़े बल्ब को भी लगाया गया था। फिर इसके बाद मूवी की कहानी 18 साल बाद की दिखाई जाती है, जिसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी एक दूसरे को हाथ हिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। वैसे इस सीन को तो ग्रीन स्क्रीन की हेल्प से शूट किया गया था, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो सीन को मनाली के एक लोकेशन पर शूट किया गया है। इसके बाद जब कार्तिक और कियारा एक पुराने महल में आती है, जहां पर मंजुलिका को कैद करके रखा जाता है, तो उस सीन को यूपी के एक पुरानी लोकेशन पर शूट किया गया है, जिसके कुछ बिहाइंड द सीन को आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों, फिल्म में दिखाई जाने वाली ये लोकेशन राजस्थान के जयपुर का है, जिसका नाम है सामोद पैलेस, और यहीं पर मूवी के इस सीन को शूट किया गया था, और इससे पहले भी यहाँ कई सारी हिंदी फिल्मों को शूट किया जा चुका है। अब ये वाला बिहाइंड द सीन इस मूवी का टाइटल सॉन्ग भूल भुलैया के शूटिंग का है, जिसके बिहाइंड द सीन में आप कार्तिक आर्यन को देख सकते हैं। दोस्तों, जब इस मूवी की शूटिंग हो रही थी, तो कार्तिक आर्यन ने इसके शूटिंग सेट पर ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जिसके कुछ वीडियो क्लिप को आप यहाँ देख सकते हैं। फिर इसके अलावा मूवी में ये सीन तब आती है जब मंजुलिका बाहर आ जाती है और वो लोगों को परेशान करने लगती है, जिसके बाद कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू एक बाबा के पास जाते हैं, तो यह उसी समय का शूटिंग लोकेशन है। वैसे ये शूटिंग लोकेशन राजस्थान का है, जो कि अजमेर में स्थित है। ये बिहाइंड द सीन उस समय का है जब रोहन रात में मंजुलिका के कमरे तक पहुंच जाता है और उसे वहां पर अपने जैसे दो रूप देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जब कार्तिक आर्यन छोटे पंडित यानी कि राजपाल यादव जी के साथ मिलकर काले कपड़े पहनकर रूप बाबा का गेटअप धारण करता है, तो यह उसी समय का बिहाइंड द सीन है। आप यहां देख सकते हैं कि डायरेक्टर अमीश बजवा बता रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार से एक्टिंग करनी है। इस मूवी में कार्तिक आर्यन को भूतों से बात करते हुए दिखाया गया है, हालांकि वो बात तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो उसमें सभी को ऐसा शो ऑफ करते हैं कि वो भूतों से बात कर सकते हैं, और इसी वजह से वो रूह बाबा के नाम से भी फेमस हो जाते हैं। दोस्तों, इस मूवी को 20 मई 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था, जिसकी डायरेक्टिंग अमीश बाजवा सर के द्वारा किया गया था, और इस मूवी को 70 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जिसने अपने बॉक्स ऑफिस पर 266 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। ये बिहाइंड द सीन उसी महल का है जब तब्बू रोहन को मंजुलिका की कहानी सुनाना शुरू करती है। एक्चुअली इस मूवी में अंजुलिका और मंजुलिका दोनों सिस्टर के किरदार को एक्ट्रेस तब्बू ने ही प्ले की थी, और आप यहां इस मूवी के शूटिंग के समय उन्हें अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये बिहाइंड द सीन उस समय का है जब अंजुलिका की शादी ठाकुर साहब के बेटे उदय ठाकुर से हो जाती है, लेकिन उदय ठाकुर को मंजुलिका बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, जिसके वजह से अंजुलिका और मंजुलिका में लड़ाई हो जाती है, जिसमें मंजुलिका की डेथ हो जाती है। दोस्तों, मूवी में ये वाला सीन भी काफी इंटरेस्टिंग लगती है, जब एक लड़की को ऊंची बिल्डिंग से गिरते हुए दिखाया जाता है, और आप यहां देख सकते हैं कि सीन की शूटिंग करते समय उन्हें किस प्रकार से हवा में रस्सी के सहारे लटकाया गया था।
फिर इसके बाद जब रात के समय रीत की भाभी यानी कि तब्बू जी कुछ एबनॉर्मल चीजें देखती है तो वो रोहन के कमरे में चली जाती है और वो सबको बताती है कि मंजुलिका अब सच में आजाद हो चुकी है। जिसके बाद ये तीनों ही एक तांत्रिक के पास चले जाते हैं जो कि इससे पहले भी मंजुलिका को अपने काला जादू से कैद किया था। अब ये वाला बिहाइंड द सीन उस समय का है जब रोहन रात में अपने सपने में पट्टू को देखता है और उसके पीछे अचानक से मंजुलिका आ जाती है। तो दोस्तों ये थी साल 2022 में रिलीज हुई मूवी भूल भुलैया के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स और उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली ऐसे ही मूवी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए।